वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए एक से एक न्यूज लेकर आया हूँ टिकटॉकर्स की तरफ से, यानी कि टीम 07 और दूसरे क्रिएटर्स। तो अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दो लाइक, तोड़ दो लाइक बटन को, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए ये रही आईडी कर लो, क्योंकि वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली स्टोरी आ रही है वो आ रही है मिस्टर फैसी 07 की तरफ से, और जैसे कि आप सबको पता होगा इनको मिला है IWM बस की तरफ से अवार्ड, जो कि है मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया स्टार का। जी हाँ, तो यहाँ पर उन्होंने ये वाली फोटो अपलोड किए ही थे, लेकिन साथ ही साथ अपनी स्टोरी में कुछ वीडियो भी अपलोड किए है। मेरे फैन क्लब के लिए थैंक यू सो मच, मेरे फैन जो मुझे इतना सपोर्ट किया है, जो मुझे आज ये अवार्ड मिला है, थैंक यू सो मच MTV, थैंक यू सो मच IWM बस जो मुझे अवार्ड दिया आप लोगों ने, मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया का। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और गाइज मैं वहाँ आ नहीं पाया अवार्ड फंक्शन में, उसके लिए सॉरी। थैंक यू गाइज, वीडियो एंड तक देखते रहना, क्योंकि अभी अदनान और फैज बलोच से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आने में है। फिलहाल हम लोग चलते हैं जन्नत जुबैर की तरफ। प्रैंक करने नहीं आता, मजाक कर रहा हूं। तो उसने अयान जुबैर के साथ एक छोटा सा प्रैंक की थी, अयान को तो गीला की ही खुद भी हो गई। मैं अयान के साथ एक मैजिक ट्रिक कर रही हूं। अब गायब हो गया। मैंने क्या ऐसी हुआ? वो गायब हो गया, देखो ऊपर। गाइज, अगली शुरू आती है दानिश जैन की तरफ से। आप लोग मुझे हमेशा कमेंट्स करके बोलते हो भाई दानिश जैन की भी न्यूज़ दो, वैसे तो न्यूज़ जल्दी मिलती नहीं है, लेकिन फाइनली आज उससे रिलेटेड न्यूज़ मिली है, जो क्या आ रही है ममता मैम की तरफ से। और आज उनको अचानक से दानिश जैन की याद आ गई, तो उन्होंने कुछ स्टोरीज अपलोड किए हैं। पीछे सॉन्ग बज रहा है, मैं वो हटा दूंगा क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, कोई म्यूजिक ऐड कर दूंगा। आइए वो स्टोरीज देखते हैं। दानिश जैन से रिलेटेड एक और न्यूज़ मुझे याद आई आज या कल के दिन। मैं कुछ वीडियोस देख रहा था जिसमें मुझे पता चला कि लोग उसकी कब्र के पास जाके टिकटॉक वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, मतलब कुछ भी। सच में तुम लोग उसके फैंस ही हो ना, क्योंकि देखने में ऐसा लग नहीं रहा था जो भी मैंने वीडियोज़ देखा हो। तो जो लोग ने भी बनाए हैं वो डिलीट कर दो, अच्छी बात नहीं है। अगली स्टोरी आती है अदनान 07 की तरफ से। तो यहाँ पर बॉडी फार्म की तरफ से उसको बुलाया गया था, जैसे कि मैंने आप लोग कल वाली वीडियो में उसकी डिटेल्स दे चुका हूँ। तो यहाँ पर आज उसने कुछ स्टोरीज अपलोड किया है, आइए देखते हैं। फैज बलोच 07, अमान बॉडी फार्म 07, अदनान भाई। अगली शुरुआत है भाविन की तरफ से, और थैंक गॉड ये आर्मेनिया दुबई नहीं जा रहे, ये जा रहे हैं हरियाणा। अगली शुरुआत है लकी डांसर की तरफ से। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियोस में बता चुका हूँ कि लगता है लकी और अरिश्फा का न्यू सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि वो लोग गए हैं शूटिंग पर उस सॉन्ग की। तो यहाँ पर आज तीसरा दिन है शूटिंग का, तो उससे रिलेटेड लकी डांसर ने एक स्टोरी अपलोड की है, आइए देखते हैं। एंड सीरियसली यहाँ पे बहुत ठंड है, हम लोग अभी एक जगह रुक रखे हैं कैसे, कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, थोड़ा बहुत मैं दिखाता हूँ आशिमा क्या कर रही है। आशिमा अपना मेकअप करवाने के लिए बैठी है यहाँ पे, बट विदाउट मेकअप भी अच्छी लगती है हमारी आशिमा।
अगली शुरू आती है आमिर अरब की तरफ से। तो फाइनली इनका न्यू ब्लॉग आ चुका है जो के है टॉकर्स हाउस से रिलेटेड। अगली शुरू आती है सनी चोपड़ा की तरफ से। तो ये चले गए हैं अब दुबई, अब पता नहीं ये भी कोई सॉन्ग की शूटिंग पे तो नहीं गए। अगली शुरू आती है अनुष्का सेन एंड रियाज की तरफ से। तो जैसा कि आप सबको पता होगा ये लोग गए थे दुबई और चंडीगढ़ भी गए थे साथ में, जहां पर शूटिंग हुई थी। अब वो काय की शूटिंग थी अभी तक बताई नहीं गई है, हो सकता है सॉन्ग का हो या कुछ और, लेकिन वो लोग लाइव आए थे जहां पर वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और उस समय उन लोग ने भी यही कहा कुछ तो सरप्राइज आने वाला है। मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ कुछ आने वाला है क्या। मैं भी तुम्हें पूछ रही हूँ कुछ आने वाला है क्या। आएगा शायद, लगता है मेरे को भी लगता है। वाइब्स आ रहे क्या? वाइब्स आ रहे कुछ आने वाला है। अच्छा मेरे को भी ऐसा लग रहा है। अभी मेरे को बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत बड़ा चीज। हाँ बता दे। नहीं नहीं कुछ तो आने वाला है जल्दी, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। दुबई में क्या हुआ था? मैं फोटोग्राफी देख रहा हूं, बताओ लोगों मेरी फोटोग्राफी तो बताओ। 99% मुझे लगता है सॉन्ग ही है। अगली शो आती है फैज़ बलोच एंड शिफू की तरफ से। तो यहाँ पर फाइनली इन लोग का जो न्यू सॉन्ग आ रहा है उसका टीजर लॉन्च हो गया। मैं आप लोगों को थोड़ी सी झलक दिखाता हूँ, देखना रहेगा आप लोगों को पूरा, आप लोग जाके देख सकते हैं। अगली शुरू आती है ममता मैम की तरफ से। तो लगता है कुछ तो स्पेशल आने वाला है क्योंकि उन्होंने वाली फोटो अपलोड करते हुए नीचे कहा बी रेडी ऑलवेज, नेवर नो व्हाट्स कमिंग। तो देखते हैं भाई क्या आता है। अगली शुरू आती है टॉकर्स हाउस की तरफ से। तो यहाँ पर दानिश अलबाज ने वाली फोटो अपलोड की है जिसमें आप लोग देख सकते हैं इन लोग सबको फीचर किया गया है जागरण न्यूज के न्यूज पेपर में। सो कॉन्ग्रेट्स। चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं अचीवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पर रीबा के हो गए हैं 4 लाख फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे। अनित कपूर का जो न्यू सॉन्ग आया है उसने एक दिन में 5 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिया। अमूल्या के हो गए हैं 2.5 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। जैना जुबर के हो गए हैं 20 मिलियन फॉलोअर्स टिकटॉक पे। सना खान का जो मोहब्बत सॉन्ग है उसने क्रॉस कर लिया है 100 मिलियन व्यूज। तो सभी को कॉन्ग्रेट्स। बस गाइस आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं की रही आईडी कर लो, वहां पर भी मैं काफी अपडेट देते रहता हूं। 10,000 फॉलोअर्स मुझे करना है कैसे भी, 8,500 हो चुके हैं, सिर्फ 1,500 की जरूरत है, कर लो। मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।